बिठाई गई थी, नंगा किया गया था, तब संविधान नहीं था। और आज संविधान जिनके हाथों में है वो भी संविधान को मानते नहीं, वो वही विधान मानते हैं जो पहले चला रहे थे। और आज दो दो लड़कियां मणिपुर में नंगी नचाई गई, पूरे गांव में नचाया गया, ये क्या है, ये क्या है बताइए। इसका मतलब है रामराज आ रहा है, और रामराज में ही होता तब फिर होगा। अभी तो ट्रेलर दिया है, मूवी कहाँ दिखाई है। अगर आप चाहते हो मूवी ना देखें, मूवी देखोगे तो बहुत खतरनाक होगा वो, उसमें हमारी बहन बेटियां सब नाच रही होंगी नंगी करके, तब तुम चाह भी नहीं कर, चाह करके कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो चीज ना खत्म हो, ठीक है, तो वो चीजें सारी चीजें ना हो, ठीक है। उससे पहले हम लोग ये जो अध्यक्ष जी आप जो मीटिंग किया है, ये किस विषय में किया है आज? आज हमारे जो है आजाद समाज पार्टी कांसीराम जयंत नाव की 163 सफीपुर विधानसभा की समीक्षा बैठक थी जी, जिसमें कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए जी, और कुछ पदाधिकारियों को भी नियुक्ति की गई है जी। ऐसे युवा मोर्चा का गठन किया गया है जी, किसान मोर्चा का गठन किया गया है जी, और कुछ बूथ कमेटियां जो इनका थी उनको भी काम किया गया है जी। तो इस तरीके से जो है आज समीक्षा बैठक रखी गई, जो जो कमियां थी उनको दूर किया गया। दिशा निर्देश दिए गए आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी इस पर काम किया गया है जी, इसलिए हम लोगों ने समीक्षा बैठक और मीटिंग रखी गई। तो 2024 में आप कोई प्रत्याशी उतारेंगे? हाँ बिल्कुल, 2024 में प्रत्याशी उतारा जाएगा, चुनाव भी लड़ा जाएगा। तो किस तरह से आप लोग जो है तैयारी करेंगे गांव गांव में? देखिए अभी हमारी सब लगभग बूथ कमेटी कंप्लीट हो रही है जी, सभी की समीक्षा बैठक कर रहे हैं जी, और प्रत्याशी भी उतरेगा जी। बूथ कमेटी हमारी लगभग कंप्लीट है, सेक्टर कमेटियां भी कंप्लीट हैं, विधानसभा कमेटियां सारी कमेटियां कंप्लीट हैं। अभी हम लोग सीधे कंपेनियन कर रहे हैं, जहाँ भी